तरस गया भाई ये सब सुनने को यार, तरस गया भाई तुम्हारा भाई। निकल चुके हैं आज। अरे यार गोप्रो मेरा टेढ़ा क्यों हो रखा है, ये क्या सीन है। ओके एनीवेज सो यार वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज राइड पे निकल चुका हूँ बिल्कुल अकेला, निहत्ता अकेला और निहत्ता भाई, क्योंकि आज क्या कहते हैं बाकी फेलो राइडर्स मतलब दूर थे काफ़ी थोड़े से ना, तो मैंने कहा यार अब उस तरफ मैं तो नहीं जाऊँगा और तुम इस तरफ आ नहीं रहे हो, बट एक हमेशा की तरह जरूर बंदा आ रहा है, दैट इज डागर। डागर मिलने वाला है आगे भाई। मिस हैपनिंग भी होती है तो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, कोई गलत चला रहा है और मेरे में घुसेड़ दे, तो एक और पर्पस भी है, सिर्फ मतलब वीडियो तो बनती है बट ये भी इसका बड़ा फायदा है। ठीक है भाई ओके। यार भाई लोग काफ़ी, पहले तो शुक्रिया यार इतना प्यार देने के लिए, मतलब मैं एक सेकंड रुका था डागर को फ़ोन करने के लिए और मुझे भाई घेर लिया घेर लिया भाई, मीटअप हो गया क्रेजी मीटअप भाई सब थोड़ा सा इधर, वैसे मैं रॉन्ग हूँ तो मेरी गलती है। पेट्रोल, अरे आगे मिल जाएगा आपको लेफ्ट में भाई, मैंने इसलिए पूछ लिया, मैंने कहा या तो मैं धक्का लगाता टांग लगा देता ना, मतलब ये रहा पंचर वाला, ये रहा ये रहा, तो वो कह रहे थे कि पंचर हो गया, मैंने कहा अच्छा, पहले मुझे लगा चालान बचाने के लिए ट्रैफिक से पैदल जा रहा है भाई। Still waiting for Dagar. ये भगवान क्या जुल्म है, कह रहा एटीएम जा रहा हूँ आ रहा हूँ, 15 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए, आए बताता हूँ इसको। अंदर से रास्ता पता है, वहाँ से निकल जाएंगे ना मैकडी से, जो ड्राइव थ्रू है। चलो चलो, तो मैंने कहा यार तू जहाँ मर्जी तू ले चल मेरे को, तू राइड करा दे बस थोड़ी बहुत, और निकलना है भाई शहर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, तुम्हारे भाई को ना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है भाई, ये टाउन का शोर शराबे से बाहर बहुत ज़रूरी है। ये देखो भाई ऐसे बात बिगड़ती है, ये नीचे देखो, ये देखो मेरा लेस देखना ठीक है, ये देखो कहाँ फंसा हुआ है, देखो देख रहे हो मैं गियर चेंज नहीं कर पा रहा था इस वजह से, ये लेस इसमें फंस गया ऐसे, स्टूपिड लेस एंड स्टूपिड मी।
पहुंच गए भाई, आज तो गर्मी ने हद कर रखी है, बढ़िया हवा है भाई। कैसा लग रहा डागर भाई? काफी रिलीफ। रिलीफ पूरे दिन ऑफिस में घिसा के और फिर आओ वादियों में, बड़ा अच्छा लगता है। और राइड भी सही थी भाई, फील आ गई, मजा आ गया। पर थोड़ी गर्मी है यार, गर्मी बहुत है यार, मतलब हवा भी चल रही है, ह्यूमिड भी है, समझ नहीं आ रहा क्या है। बात ये है ना, आजकल मौसम कोई भरोसा नहीं। हाँ। आज ऐसा है कल बारिश भी हो जाए। हाँ, वही सीन है, वही सीन है। धोखेबाज मौसम है, धोखेबाज मौसम हो रहा है लोगों की तरह भाई। चलो अब थोड़ी देर बैठते हैं इधर, फोटोज वगैरह खींचते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस, वहां से तो हम उतर गए भाई, काफी मुशक्कत के बाद उतरे हैं। बाकी मैंने डागर को बोल दिया, मैंने कहा तेरे ऑफिस का रास्ता है? कह रहा हाँ भाई, मैं डेली यहीं से जाता हूँ। मैंने कहा तू अंडे की भुर्जी खिला मुझे। ये देख लो भाई, अगर किसी का अच्छा करे तो वो पीछे ही पड़ जाता है। डॉज कर रहा हूँ इन्हें। नहीं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे वो रह गया, देख वो रह गया। आले हाँ जी यार, थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके भैया, ठीक है, घर ही घर, घर सीधा घर। सो भाई, लाइफ में पहली बार ऐसे सब्सक्राइबर मिले जिन्होंने मेरे को देख के सब्सक्राइब नहीं किया, बोला पहले से देख रहा हूँ आपको। हम यहाँ भुर्जी खा रहे थे तो वो वेट कर रहे थे हमारा भाई, अपना खाते पीते हमारा वेट कर रहे थे कि ये भाई कहाँ है। तो उन्होंने हमसे ऐसे बात शुरू करी कि इस बाइक में और इस बाइक में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा भाई कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहे अच्छा, कह रहे भाई आपका मैं फॉलो करता हूँ पहले से, जट प्रभजोत को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, एक नवनीत है उनको देखता हूँ। भाई मैं तो गलत, मेरे को सरप्राइज मिल गया। मैंने कहा भैया आपने अभी सर्च किया है मेरा, हो सकता है देख के यहाँ पे ना लिखा हो। कहते हैं नहीं भाई, अमेजिंग भाई, मेरा तो दिन बन गया भाई, मेरा दिन बन गया भाई, को शुक्रिया यार। तरस गया था भाई ये चीज़ सुनने, क्योंकि कोई ऐसा बंदा मिले जो बोले मैं आपको जानता हूँ, आपकी वीडियोज देखता हूँ, और मतलब आपको मैं पर्सनली नहीं जानता भाई। यूजली मुझे लोग वो मिलते हैं जो मुझे पर्सनली जानते थे और वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि कोई रैंडम पर्सन आके बोले कि भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और आज वो हो गया यार। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए वो इमोशन कितना हैवी है यार। फाइनली किसी ने भाई पहचाना, फोटो ली भाई, जिस प्यार से वो लोग मिले ना भाई, सैल्यूट है ब्रो। पता नहीं भाई, जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा कम कम प्यार मिलता है भाई, उन लोगों से भी जो आपको जानते हैं, तो अगर किसी स्ट्रेंजर से मिल जाए ना तो भाई बहुत खुशी हो जाती है यार। बिल्कुल अनफिल्टर्ड आपसे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि भाई लगे रहो, मेहनत करो ब्रो। मैं ये चीज़ सुनने को एक साल डेढ़ साल से तरस रहा था, लाइफ इज क्रेजी ब्रो। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो रखा हूँ, मैं इतना खुश हूँ अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। और भाई आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, थैंक यू सो मच ब्रो। बाकी अब ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करूँगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई ध्यान रखें और मौज ले दबा कर यार, खुश रहें भाई।